असलकुम डेयर स्टूडेंट नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर टू फर्स्ट टॉपिक है ये आज ये आज हम डिस्कस करेंगे लेट सी बायलोजिकल मैथड सबसे पहले बॉलोजिकल मैथड की डेफिनेशन दिक मैथड इन विच बॉयोजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज टर्म एज बॉयलोजिकल मैथड वो साइंसी तरीक़ाकार जिसमें बायो से मुंसलिक जो मसाइल हैं उनको हल किया जाता है सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन से हैं इससे पहले आप यूं समझिए कि जो नॉन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन से होते हैं ऐसे प्रॉब्लम जो ज़िंदा चीज़ों से मुतक नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड वगैरह के मसले हैं तजारत के मसले हैं लेन देन के इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसे कोई बायोलॉजिस्ट डील नहीं करेगा बल्कि उसे कौन डील करेगा इकानमिस्ट उसे डील करेगा फिर इसी तरह किसी शहर की सफ़ाई सुथराई की कोई मसाइल है तो उसे बायोलॉजिस्ट डील नहीं करेगा ना ही ये कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है बल्कि ये वहाँ का जो इंतज़ामिया है जहाँ वो टी वगैरह वाले जो हैं वही उसको डील करेंगे और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जिंदा चीज़ों से रिलेटेड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है वो कोई नोवल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो ठीक है उसके इसमें बायोलिकल प्रॉब्लम है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी चीज़ डिजीज़ वगैरह के बारे में उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखा जाता है तमाम पहलू को देखा जाता दे है जिस तरह अभी कोरोना वायरस है इसमें कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा जाएगा इसकी अनाटमी के बारे में इसकी फिजियोलॉजी के बारे में यह डिजीज़ किस तरह से काज करता है फिर इस तरह कोई और ऑर्गेनिज्म जो कोई डिजीज़ काज कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जाएगा उसके इफेक्ट या उसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा किस तरह से काज करता है और उसका हल जो है वो ढूंढा जाएगा तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो जिंदा चीज़ों से मसाइल मुंसलिक होते हैं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमेटिक वे के ज़रिए एक तरीक़ाकार के ज़रिए एक एसओ पीज इसके लिए तय किए जाते हैं उसके ज़रिए इस मसले को हल किया जाता है ना कि रैंडम के रैंडम तरीके से इसको जो है हल किया जाता है यही इसका जो है ऑर्गनाइज जो वे है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यही कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड फिर उसके बाद इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो मंदरजा या मरल से गुजरता है ठीक है इन मंदरजा या मराहल जिनको वो फॉलो करता है अपनाता है वो कौन कौन से हैं सबसे पहले है रिकोगशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की शिनाख्त करना पहचानना उसको कि वाकई ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या किसी और फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस तरह कोई तजारत का प्रॉब्लम है तो वो बायोलॉजिकल रिलेटेड नहीं है शहर की सफाई सुथराई का प्रॉब्लम है तो वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड नहीं है ये चीज़ पहचानी जाती है कि प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल होना चाहिए तो फिर उसको इस तरीके से हल किया जाएगा फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन मशादात किए जाते हैं मसले को परखा जाता है हाइपोथिस फार्मोलेशन हाइपोथिस बनाए तश्कील दिए जाते हैं डिडक्शन की जाती है उसकी फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है तजर्बात किए जाते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट रिजल्ट का खलासा तैयार किया जाता है नतज का फिर उसके बाद रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट नतज की रिपोर्ट तैयार की जाती है बायोलॉजिकल मैथड में इन मंदर जैल स्टेप को अपनाते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और यह कहलाता है बायोलॉजिकल मैथड और यह स्टेप आप लोगों ने इसी तरतीब के साथ याद करना है ठीक है आप इसके शॉर्ट वर्ड के जरिए भी इसकी सीक्वेंस बना सकते हो जिस तरह इन वर्ड्स के पहले लेटर जो है रूड इस तरह से या कोई और आपको ईजी लगता है वो बनाकर आपको इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं फिर उसके बाद है हम उन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे अब कि उनके अंदर होता है क्या है स्टेप्स के अंदर सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप जो है फर्स्ट वन रिकग्निशन ऑफ द बॉलोजिकल प्रॉब्लम वही के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की पहचान करना अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज एदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजी माइंड बाय हिमसेल्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई मसाइल होता है क्वेश्चन की फॉर्म में वो क्वेश्चन या तो किसी ने पूछा होता है या फिर बायोलॉजिस्ट के खुद के जहन में वो क्वेश्चन जो है वो पैदा हुआ होता है ये कहलाता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर सेकंड स्टेप है इसमें ऑब्जर्वेशन का मिशादात का मशादा कर, मिशादा करना प्रॉब्लम का परखना उसको ऑब्जर्वेशन आर मेड फिर फाइव सेंस ऑफ विजन हेयरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच ऑब्जर्वेशन जो है ये तैयार की जाती है फाइव सेंस के जरिए कौन कौन से? देख कर सुनकर सूं कर, सुन कर चख कर और किसी चीज़ को छू कर जो है ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है यह है माह मिशादात और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को उर्दू में कहते हैं मकदारी मिशादात क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर एज लेस एक्यूरेट क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इसे कम बेहतर समझा जाता है दीज आर नॉट मेजरेबल और इसको नापा नहीं जा सकता फॉर एग्ज़ाम्पल पेन वगैरह सर में पेन वगैरह इसको हम नाप नहीं सकते और इसको लेस एक्यूरेट हम इसलिए कहते हैं कि पेन को शिद्दत का एहसास नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा है कम है एग्जैक्ट फिगर में तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये लेस एक्ट है फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर मोर एकट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है दीज आर इनवेरिएबल और ये गैर गैरमतर होती, है। होती हैं एंड मैयर और काबिल पेमाइश होती हैं एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इसे हम नंबर्स की फॉर्म में हिंसों की फॉर्म में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का वेट है किसी स्टूडेंट का वेट है तो उसको हम क्या करते हैं एग्जैक्ट नंबर में उसकी पेमाइश कर सकते हैं पचास किलोग्राम या साठ किलोग्राम तो ये क्या है क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है जिसे हम किसी फिगर में नंबर्स में जिसे रिकॉर्ड कर सकें ठीक है इसका डिफरेंस करना है आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट है इनकी एग्जाम्पल्स सबसे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की महिती मशादत की मिसाल कौन से द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर द पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इसके बॉइयंग पॉइंट से कम होता है फिर उसके बाद अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर दैन लीटर ऑफ एथनॉल पानी का एक लीटर वजनी होता है एथनॉल के एक लीटर से ये एग्जाम्पल्स है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ठीक है इसे में एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ रहा कि पानी कितना जो है वो हैवी है एथनॉल से और जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम है इसके बॉयिंग पॉइंट्स ऐसी ऑब्जर्वेशन जो होती है कहलाती है क्वालिटेटिव और क्वाटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इज जीरो सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज वन हंड्रेड सेल्सियस ठीक है इसमें क्वान्टिटी ऑब्जर्वेशन में हमें एग्जैक्ट नंबर में, में किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट का वन हंड्रेड सेल्सियस इन दोनों में जो फ़र्क है उस वो भी हमें वाजे पता चल रहा है कि वन हंड्रेड का फर्क फिर उसके बाद अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेट्स 789 ग्राम ठीक है क्वालिटेटिव में हमने बात की थी कि वाटर हैवीयर है एथेनॉल से लेकिन जो क्वांटिटेटिव है इसमें हम नंबर्स में बात कर रहे हैं कि एक लीटर वाटर का वेट कितना होता है 1000 ग्राम और एक लीटर एथेनॉल का वेट कितना होता है 789 ग्राम तो जिसमें नंबर्स हों डिजिट्स हों वो कहलाती है वो ऑब्जर्वेशन वो कहलाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और ज्यादा क्या होती है ये ज्यादा एकोरेट होती है इसमें ज़्यादा चीज के बारे में हमें समझ आती है कितना फर्क है चीजों के दरमियान नेक्स्ट है फार्मेशन ऑफ हाइपोथिस हाइपोथिस बनाना उसको टेंटेटिव देनाशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथिस मीन के टेंटेटिव कहते हैं वजात टेबल जिसकी वजाहत की जा सके किस चीज़ के ऊपर बहस की जा सके इस काबल होगी निशादात की, की तहकीक तलब वजाहत को हाइपोथेसिस कहते हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके ऊपर तहकीक की जा सके वो कहलाती है हाइपोथेसिस कहलाती है। इट मे भी डिफाइन एज द प्रोपोजीशन डेट माइट बी ट्रू कि कोई प्रोपोजीशन कहते हैं कोई कोल को दावे को कि ऐसा कोल या दावा जो सही साबित हो सके वो भी हाइपोथिस कहलाता है

इट शुड बी कीप्ड एज सिंपल एज पॉसिबल अच्छा हाइपोसिस को सादा होना चाहिए इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फैल्सिफिएबल। एक अच्छा हाइपोथिस जो है वो जांचने के और उसे रद्द करने के काबुल होना चाहिए वो ठीक है ये जनरल करेक्टर्स हैं गुड हाइपोथिस है है के अच्छे हाइपोथिस की क्या खूबियत ये करने आप लोगों ने यह भी इम्पोर्टेंट है फिर उसके बाद अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नसेसरी फॉर द फार्मूलेन ऑफ हाइपोथिस हाइपोथिस तश्ल देने के लिए एक महताद और तख्लीकी सोच के होना जरूरी है हमें एक महताद और एक तख्लीकी सोच का इस्तेमाल करके हम हाइपोथिस बना सकते हैं बायलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फार्मोलेट हाइपोथिस बायलॉजिस्ट दलील कर, कि, कि का और वजूहत का इस्तेमाल करके भी हाइपोथिस तश्ल देते हैं या यूँ कह सकते हैं किसी हकाइक से नतज को अख़ज़ करके भी हाइपोथिस जो है वो बनाया जाते हैं पहले से मौजूद कोई डाटा वगैरह है या कोई नेचर के कुछ असूल हैं या कुछ और हकाइक हैं उनसे भी उनको भी सामने रखते हुए हम हाइपोथिस तश्ील दे सकते हैं नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप डिडक्शन डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसिस ऑफ हाइपोथिस डिडक्शन क्या है मंथ की नतज हैं हाइपोथिस के फिर हाइपोथेसिस को शार्ट किया जाता है उसमें से भी कुछ जो मंथ की जो नतज हैं ठीक है जिसकी कोई दलील हो जिसकी कोई वजूहत हो जो ज़्यादा प्रॉब्लम से ज़्यादा मुंसलिक हो ज़्यादा उससे रिलेटेड हो उसको कहते हैं डिडक्शन कहते हैं फॉर दिस परपज हाइपोथिस टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्राम इट दिस इन्वाल्वस द यूज ऑफ इफ दैन लॉजिक डिडक्शन बनाने के लिए हाइपोथिस को सही तबर किया जाता है और उससे जो मतवर नतज हैं वो उससे अखज किए जाते हैं और इसमें इफ और देन लॉजिक इस्तेमाल की जाती है मतलब कि अगर मगर की मन इस्तेमाल की जाती है या अगर फिर मन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा इस तरह जो है इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए डिडक्शन जो है ये फॉर्मुलेट की जाती है नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायलॉजिकल मैथड इज एक्सपेरिमेंटेशन इसमें जो बुनियादी बायोलॉजिकल मैथड में जो बुनियादी दर्जा है इसमें वो है एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथिस टू आर नॉट बाजिस्ट क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथिस की जाँच पड़ताल करने के लिए कि ये ठीक है या गलत है द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्राम हाइपोथिस आर सब्जेक्टेड टू रिगुल टेस्टिंग डिडक्शन जो हाइपोथेसिस निकाला गया होता है उसकी सख्त किस्म की जो है उसकी जांच पड़ताल की जाती है बार बार उसे टेस्ट में से गुजारा जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथिस इज करेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन से एक बायोलॉजिस्ट ये जानता है कि हाइपोथिस ठीक है द इनकोरेक्ट हाइपोथिस आर रिजेक्टेड और जो इनकोरेक्ट हाइपोथिस होता है उसे रद्द कर दिया जाता है एंड ऑन विच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड और जो इसमें सही हाइपोथिस होता है जो मसले से ज्यादा मुंसलिक होता है उसके ज्यादा नज़दीक होता है प्रॉब्लम को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है ये है एक्सपेरिमेंटेशन वट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या है ये पढ़ते हैं साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स विद द कंट्रोल ग्रुप्स साइंटिस्ट जरूर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंट्रोल ग्रुप के साथ मुजना करवाए टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एक्जैक्टली अलाइक दोनों ग्रुप जो है ये तकरीबन दोनों को एक जैसा माहौल दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी और कंट्रोल ग्रुप को भी जो कंडीशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए होगी वैसी कंडीशन कंट्रोल ग्रुप के लिए होगी फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेम्परेचर जो है थर्टी सेल्सियस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्रोवाइड किया जा रहा है वही टेम्परेचर कंट्रोल ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स प्रोवाइडेड विद वन वेरिएबल कंडीशन लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को एक एक फैक्टर जो है वो कंट्रोल ग्रुप से मुख्तलफ प्रोवाइड किया जाएगा उसे फॉर एग्जांपल अगर दोनों को एनर्जी सेम जैसी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स की भी कंट्रोल ग्रुप की भी इसमें ह्यूमिडिटी भी सेम है लाइट भी सेम है लेकिन टेम्परेचर जो है फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को थर्टी सेवन सेल्सियस और कंट्रोल ग्रुप को क्या है थर्टी फाइव सेल्सियस वो फैक्टर कोई भी हो सकता है वो एक आधा फैक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को कंट्रोल ग्रुप से मुख्तलिफ प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसेंथिस मिसाल के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यह जानने के लिए कि फोटोसेंथिस के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल इसमें दो ग्रुप पढ़ रहे हैं इसमें दो ग्रुप है एक है कंट्रोल ग्रुप दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप को क्या किया गया है कि उसके अंदर जो प्लांट रखे गए हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुहैया की गई है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबल नहीं है मीन्स के इसमें एक जो फैक्टर है उसमें कंट्रास्ट रखा गया है एक दूसरे के वृक्ष रखा गया है मुखरफ रखा गया है कंट्रोल ग्रुप का एक फैक्टर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के एक फैक्टर से क्या है मुख्तलिफ है, है और बी प्रूव वेन फोटोसेंथिस इन दंट्रोल ग्रुप एंड नॉट अकर्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नसेसिटी है वो साबित हो जाएगी कंट्रोल ग्रुप में जब उसके अंदर फोटोसेंथिस का अमल होगा लेकिन फोटोसेंथिस का अमल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं होगा क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को तैयार करके हम उस नतज को अखज करते हैं जो हमें मालूम नहीं होते उसमें हम मुख्त कंडीशन जो है उसको चेंज करते रहते हैं और एट दी एंड क्या करते हैं कि हम नतज को जो हमें मालूम नहीं होते उन्हें अखज़ कर लेते हैं जिस तरह अभी हमने यहाँ पर इसमें पौधों के लिए जो जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसेंथिस के लिए वो वाला एक्सपेरिमेंट देखा नेक्स्ट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट नतैज का खलासा तैयार करना ये छठा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का बायोलॉजिस्ट गैदर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिस्ट हकी क्वांटिटेटिव डाटा जो है एक्सपेरिमेंट से इकट्ठा करते हैं डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज एंड कम्पेयरड स्टेटस्टिकली फिर हर ग्रुप के डाटा का एवरेज निकाला जाता है और उसका स्टैटस्टिकल कम्पेयर शमाराती मुजना किया जाता है डाटा का आपस में टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्सपेरिमेंट से अखज होने वाले डाटे से नाई निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट शमारती तजिए का भी इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट जो है वो डाटा को कंपेयर करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको एड करते हैं ऐड करते हैं उसको, हैं उसको उसको कंपेयर करके देखते ये कहलाता है उसका है, है, नतज की रिपोर्ट तैयार करना इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स इन टॉक्स एट नेशनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इस मरले में से हासिल होने वाले नतयज को किसी रसाले में शाया जाता है। कौमी और बैनि मीटिंग्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में शामिल किया जाता है पब्लिशिंग पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैथड नीपल टू वेबल्स ये दूसरे लोगों को दूसरे साइंटिस्ट को ये अलाउ करता है कि वो दो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी इस डाटे की इस मसले की जो है वो तस्दीक कर सकें कि आया कि ये प्रॉब्लम का हल यही है या प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ है वगैरह वगैरह फिर इसके अलावा इसके नॉलेज को इस्तेमाल करके किस इस दूसरे मसले का भी जो है वो हल निकाला जा सकता है जिस तरह अभी जो है कोरोना वायरस का चल रही है सिचुएशन चाइना ने कुछ फिगर जो दी कोरोना के बारे में कि ये इस तरह टच करने से फैलता है छूने से फैलता है इसमें जो इसकी जो डेथ रेट है टू टू फोर परसेंट है फिर इसके अलावा कुछ मेडिसिन उन्होंने रिकमेंड की कि इनसे इसे क्योर किया जा सकता है तो यह क्या था यह था रिपोर्टिंग द तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाकी वर्ल्ड को अवेयर किया कि आप भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इसमें स्ट्रेटिस्टिकल एनालिसिस भी है कि इसमें कुछ डाटा हमें चाइना से मिला कुछ हमें इस दुनिया के दूसरी कंट्री से मिला उनको सबको इकट्ठा किया जाता है फिर उसमें देखा जाता है कि इसमें कितने मुतासर हुए उनमें प्यर कितने हो गए बेहतर कितने हो गए और डेथ कितनी होगी फिर इस तरह इनकी परसेंटेज निकाली जाती है फिर हर कंट्री की परसेंटेज निकाली जाती है कि किस कंट्री को जो है कोरोना ने ज़्यादा मुतासर किया तो ये किस चीज़ किस पे बेस कर रहा है ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है मतलब कि नंबर्स के ऊपर डिजिट्स के ऊपर बेस कर रहा है और जिसको हम जिसका स्टेटस्टिकल एनालिसिस करते हैं शमारती करते हैं ये था बॉलोकल मैथड्स टू सॉल्व बॉलिजिकल प्रॉब्लम्स तो इन सात मराहल में से गुजर कर किसी भी मसले का किसी भी बायोजिकल प्रॉब्लम्स का जो हल है वो ढूंढा जाता है तो आपके सिलेबस में जो बायलॉजिकल मैथड से जो एग्जांपल दी हुई है वो है मलेरिया से रिलेटेड तो उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह जो है मलेरिया को ट्रीट किया जाता है मलेरिया कैसे काज होता है ये सारा कुछ नेक्स्ट है थ्यूरी थ्यूरी क्या है हाइपोथिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड वो हाइपोथिस जो तजर्बात पर पूरा उतरें और अक्सर टेस्ट किए जाए और उसे रद्द ना किया जा सके कभी भी वो so, थ्यूरीज कहलाती है अ थ्यूरीज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस और एक थ्यूरी को सहारा होता है काफी सारे सबूतों का ठीक है इसमें थ्यूरी की एग्जाम्पल आ जाएगी सेल थ्यूरी चैप्टर फोर्थ में पढ़ोगे आप लोग ये और उसके बाद है थ्यूरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगी थ्यूरी नेचुरल सिलेक्शन और सेल थ्यूरी फिर उसके बाद है लॉ और प्रिंसिपल्स इफ़ आर थ्योरीपल्स अगर एक थ्यूरी ज़रबात के बावजूद भी जा सके तो एक नाकबले तरतीद हकीकत बन जाती है जिसे साइंटिफिक ला या प्रिंसिपल कहते हैं साइंटिफिक ला असल में कुदरत की एक हकीकत होती है जो चेंज नहीं होती सेम रहती है इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल और जिसे जटलाया नहीं जा सकता जिस थ्योरी को जटलाया ना जा सके वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ इसकी एग्जांपल है आरडे वैनबर्ग लॉ एंड मैंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप देखेंगे कि बायो के अंदर बहुत कम लॉ है क्योंकि नेचर के अंदर चेंजिंग आती रहती है जिसकी वजह से बायो के अंदर बहुत कम लॉ है बाकी साइंस सब्जेक्ट के कम्पेरेटिवली ठीक है यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है किस तरह से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो दिए हुए हैं What is the biological method? Differentiate between scientific and biological method. Name the steps which are biological takes in solving biological problems. Step canom licny differentiate between qualitative and quantitative observation. but important. Short question write the write two examples of quantitative observations. How to quantitative observations are better in biological methods. Define hypotheses, how hypotheses are made, what is mean by deduction. राइट ऑफ गुड आईपोथिस वट इज मीड बाई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज वाले टॉपिक में मौजूद हैं ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं तो इन्हें आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है अच्छे नंबर लेने के लिए अल्लाह हाफिज